नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका जीके मैथ एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें जान सकते हैं कि जिन्होंने अक्टूबर 2018 के अंतर्गत जो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे थे उनमें लिंग महिला व पुरुष तथा अन्य थाना संशोधित किए जाने के संबंध में यह नोटिस जारी किया है। तो क्या नोटिस जारी किया है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुई थी कि किसी ने जो ऑनलाइन आवेदन पे टिक किया था वो पुरुष में महिला ने कर दिया और महिला ने पुरुष को, तो इसको सुधारने के लिए संशोधन के लिए एक नोटिस जारी किया है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना और मैं इसे ओपन करके नोटिस आपको दिखाऊंगा और पढ़ के भी बताऊंगा कि इसमें क्या क्या दिया है और कब तक इसका संशोधन किया जाएगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना और जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल पर तो इस वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, 13 फरवरी का ये अपडेट है। तो इसमें लिखा है, आरक्षित नागरिक पुलिस व आरक्षित प्रदेश अमर्ड कंस्टेबलरी के पदों पर सीधी भर्ती अक्टूबर 2018 के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थी जिनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में त्रुटिवश महिला के स्थान पर पुरुष और पुरुष के स्थान पर महिला अंकित हो गया था तथा थाना गलत अंकित हो गया और लिंग महिला पुरुष व थाना परिवर्तित किए जाने हेतु दिनांक 18 फरवरी को समय 10 बजे प्रातः बोर्ड कार्यालय में उपस्थित होना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बोर्ड 18 फरवरी को उपस्थित होना होगा 10 बजे, तो वहाँ पर आपको जाना है। और ऐसे सभी अभ्यर्थी अपने अपने आवेदन पत्र व फोटो आईडी, फोटो पहचान पत्र और एड्रेस प्रूफ आपसाई साक्ष्य की मूल स्व प्रमाणित प्रति व लेकर जाएं, ठीक है। और नित्य तिथि को बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र के तदनुसार संशोधन कर दिया जाएगा। तिथि के पूर्व या पश्चात बोर्ड में प्राप्त होने वाले अभ्यर्थियों का सत्यावेदन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। 18 फरवरी को ही होगा और उसके बाद ये आगे पीछे जाता है तो वो नहीं संशोधित नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। अगर जो किसी को ऐसी दिक्कत हुई है, प्रॉब्लम हुई है, तो वो करा सकते हैं। तो मिलूंगा अगली वीडियो के साथ, फिर से नई जानकारी के साथ। नमस्कार।